नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन है और आप सभी का स्वागत है हमारे सचिन ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ मेट्रो का एक न्यू अपडेट। और दोस्तों, अभी मैं हूँ साझा गार्डन में, जैसे आप देख रहे हैं अभी सुबह के टाइम है, तो फिर से मैं जा रहा हूँ मेट्रो का, यहाँ पर काम चल रहा है और क्या क्या अपडेट इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को आगे देखना। तो अभी हम चलते हैं और आप दोस्तों, मैं हूँ अभी अग्रसेन चौक पर, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पिलर्स के लिए खड्डे खोदे गए हैं और काफ़ी बड़ा सा गड्ढा है यहाँ पर। अभी इसमें पिलर का सांचा नहीं रखा गया है, लेकिन बाकी जो गड्ढे उनमें पिलर्स रख दिए गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं चौराहे की ओर, तो यहाँ के देखेंगे तो यहाँ का सीन कुछ ऐसा है। और अभी हम आ चुके हैं दोस्तों अग्रसेन चौक पर, यहाँ पर लगी हुई है अग्रसेन महाराज की बड़ी सी मूर्ति। यहाँ से हम जाएंगे सीधे होटल हावर्ड्स प्लाजा की तरफ, तो सबसे पहले मैं आपको वहाँ का अपडेट देने वाला हूँ। तो फिलहाल अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर कितने प्लट्स अभी रेडी हुए हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे तो एक प्लट्स नज़र आ रहा है जिसमें सांचा वगैरह रख दिया गया है सरिया का, जैसे कि आप देख रहे हैं। और देखते हैं यहाँ का क्या अपडेट है, तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। और यहाँ का सीन देखोगे तो पूरे में बैरिकेडिंग की कर रखी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पर अभी जो खड्डे खोदे गए थे वो शायद कंप्लीट कर लिए गए हैं। यहाँ पर कोई भी हमें पाइलिंग मशीन नज़र नहीं आ रही है, तो आगे चलकर आपको दिखाते हैं यहाँ का क्या सीन है। और बता दो दोस्तों, यहीं से ही अपनी आगरा शहर की मेट्रो डिपो में जाया करेगी, तो यहाँ का नज़ारा देख लो आप, तो काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से, रोड काफ़ी चमचमा रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी खुदाई का काम चला था काफ़ी टाइम पहले, लेकिन फ़िलहाल अभी जो खुदाई का कार्य है पाइलिंग का वो कम्प्लीट हो चुका है। और सामने आप देख रहे हैं होटल हावर्ड्स प्लाजा का पीछे का हिस्सा है ये, और ये सामने का सीन है होटल हावर्ड्स प्लाजा का। यहीं पर ही आगरा शहर की जो मेट्रो ट्रेन है वो डिपो के अंदर जाया करेगी, तो यहाँ का सीन देख लो आप, यहाँ पर बड़ा सा गड्ढा हो रखा है। तो अभी ये सामने होटल्स वगैरह आपको देख ही रहे हैं, तो यहाँ से हम आगे जाएंगे सीधे अग्रसेन चौक से, और चौक से होते हुए फतेहाबाद रोड की ओर। यहाँ पर बसई मेट्रो स्टेशन का काम चल रहा है, और आज मैं आपको दोनों मेट्रो स्टेशन के अपडेट देने वाला हूँ। पहला है बसई मेट्रो स्टेशन और दूसरा है ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन। और सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सी बड़ी सी क्रेन खड़ी हुई है जिसका अभी कोई काम नहीं चल रहा है। और रोड का सीन देख लो आप, काफ़ी सारे होटल्स तो आपको दिख ही रहे हैं। यहाँ से हम आगे चलते हैं और आपको मेट्रो स्टेशन की तरफ लेकर चलते हैं, जो कि बसई मेट्रो स्टेशन है, उसका अपडेट देखते हैं कितना काम वहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। तो आगे आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फिलहाल अभी आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हो रखा है जिसमें अभी पिलर का सांचा रखना बाकी है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बड़ी सी पाइल मशीन खड़ी हुई है जिसका अभी कोई काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ का आप सीन देख लो। और अभी हम आगे चलते हैं, देखते हैं वहाँ का क्या अपडेट है आएगा। तो यहाँ पर जेसीबी खड़ी हुई है और रोड चालू है यहाँ का, बाकी आगे चल के देखेंगे तो शायद रोड बंद भी हो सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम आगे चलते हैं। दोस्तों, ये सभी स्मार्ट टॉयलेट है जिनको आप 5 रुपये का कॉइन डालकर इस्तेमाल कर सकते हो। और आगरा शहर में कई सारी जगहों पर ऐसे आपको टॉयलेट देखने को मिल जाएंगे, बिजली घर पर भी मौजूद हैं, और जो ताजगंज की साइड में काफ़ी सारे ऐसे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक स्थल काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बाहर के घूमने वाले लोग यहाँ पर ज़्यादातर आते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे स्मार्ट टॉयलेट देखने को आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो पिलर्स अभी आधे आधे हैं, यहाँ पर शायद ये इतने ही रहने वाले हैं। तो अभी आप आगे चलते हैं हम, और दोस्तों अभी हम चलते हैं इससे आगे, यानी कि बसई मेट्रो स्टेशन की ओर, देखते हैं वहाँ पर क्या अपडेट है। दोस्तों, यहाँ से वाहनों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। दोस्तों, सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारे पिलर हैं जिनके ऊपर अभी पियर कैप नहीं रखे गए हैं, और पियर कैप रखे जाने से पहले इनके ऊपर रिंग्स लगाई जाएंगी, तो फिलहाल अभी कोई रिंग्स नहीं लगी हैं यहाँ पर। और इस पिलर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको कैपिंग कर दिया गया है। और सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है बसई मेट्रो स्टेशन, यहाँ पर क्या काम हो रहा है वो मैं आपको आगे चल करके दिखाऊँगा। तो फिलहाल अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या वर्क चल रहा है मेट्रो के, बसई मेट्रो स्टेशन का। तो काफ़ी बड़ी मशीन अपना वर्क कर रही है और काफ़ी सारे लोग भी लगे हुए हैं, तो आगे चल कर के मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर। और दोस्तों, ये है बसई मेट्रो स्टेशन जो कि TDI मॉल से आगे जाते हुए पड़ता है, और सामने आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी मशीन है जो कि अपना काम कर रही है, और ये स्टेशन भी अपना आकार लेने लगा है जैसे कि आप देख रहे हैं। और दोस्तों, आगे जा कर के रास्ता बनता है, तो मैं अभी साइड की तरफ से आ रहा हूँ, और यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से कैपिंग की गई है और सेटिंग वगैरह लगाई गई है हॉरिजेंटल बीम के लिए। तो सामने आप देखेंगे तो दोस्तों काफ़ी बड़ी मशीन है जो कि
जो कंक्रीट वगैरह है जो कि मिक्सचर है वो अपने हॉरिजेंटल बीम में डाल रही है मशीन के द्वारा, जैसे कि आप देख रहे हैं पाइपलाइन के द्वारा। तो काफ़ी ज़ोर शोर से आगरा में UPMRC अपना वर्क कर रही है। सो लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ का ब्लॉक शूट किया था तो उस समय यहाँ पर जो पिलर्स हैं उनके ऊपर तकरीबन 7 पेयर कैप रखे जा चुके थे, लेकिन इतने दिनों में कितने पेयर कैप पिलर्स के ऊपर रखे जा चुके हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो पीछे आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो पिलर नज़र आ रहे हैं उन पर सारों पर पेयर कैप रखे जा चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे। और इधर अभी कंक्रीट डालने का काम चल रहा है, जो कि पीछे का मेट्रो का स्टेशन है, जो कि बसई मेट्रो स्टेशन है ये। और अभी हम यहाँ से आगे जाएंगे ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन के लिए, देखते हैं वहाँ पर कितना वर्क कंप्लीट हो चुका है मेट्रो स्टेशन का, तो जो कि TDI मॉल के पास मौजूद है। दोस्तों सामने की तरफ मशीन के द्वारा हॉरिजेंटल बीम के अंदर कंक्रीट का मिक्सर डाला जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो सभी जो पिलर हैं उनके ऊपर पेयर कैप रखे जा चुके हैं। तो फिलहाल यहाँ का सीन देख लो आप, काफ़ी सुंदर है और काफ़ी जो पिलर्स हैं वो काफ़ी सुंदर नज़र आ रहे हैं। और आगे चलकर देखते हैं कितने पिलर्स पर कितने पेयर कैप अभी फ़िलहाल रखे जा चुके हैं इतने दिनों के अंदर। और पिछला जो ब्लॉग था दोस्तों तकरीबन मैंने 1-2 हफ्ते पहले शूट किया था, लेकिन अभी मैं इसको दोबारा शूट कर रहा हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं। और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं आपको मेरे मेट्रो के ब्लॉग, तो मैं उम्मीद करता हूँ यह भी आपको पसंद आएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे पिलर्स हैं जिनके ऊपर पेयर कैप रखे जा चुके हैं, जो कि काफ़ी साफ़ सुथरे नज़र आ रहे हैं। और बाकी जो पिलर्स हैं उनके ऊपर साइडों में रेलिंग वगैरह से लगी हुई है, लेकिन इनके ऊपर ऐसा कोई सीन नहीं है। तो सारे जो पिलर्स हैं वो क्लियर नज़र आ रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। और आगे वाले पर है रेलिंग वगैरह लगी हुई है, तो कुछ पिलर पर है कुछ पर नहीं है। तो आगे भी कुछ पिलर्स हैं जिनके ऊपर पेयर कैप अभी नहीं रखे गए हैं, और यहाँ से रास्ता अभी बंद है जैसे कि आप देख रहे हैं। दोस्तों मैं आ चुका हूँ अभी TDI मॉल मेट्रो स्टेशन। यहाँ पर आप देखोगे तो मेरे पीछे काफ़ी बड़ी क्रेन है जो कि अपना वर्क कर रही है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन में क्या अपडेट है। दोस्तों अभी तो यहाँ तक पिलर्स के ऊपर पेयर कैप रखे जा चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसके आगे जो पिलर हैं उनके ऊपर पेयर कैप अभी नहीं रखे गए हैं। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर भी पेयर कैप आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं आगे TDI मॉल मेट्रो स्टेशन की ओर, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बड़ी क्रेन है जो कि अपना वर्क कर रही है। देखते हैं ये मशीन यहाँ पर क्या वर्क कर रही है। और बता दूँ दोस्तों जो यहाँ का मेट्रो स्टेशन है वो आकार लेने लगा है, और यहाँ पर कुछ गाटर वगैरह रख दिए गए हैं मेट्रो स्टेशन के, जिन्हें पाई गटर बोलते हैं। और दिखाते हैं आपको भी पाई गटर कैसे होते हैं और मेट्रो स्टेशन का अपडेट कितना हो चुका है, और जिसे बोलेंगे ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन। यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं तो आपको जो स्टेशन है वो आकार लेने लगा है, देख रहा होगा। और अभी मैं हूँ TDI मॉल के पास, और यहाँ पर जो हॉरिजेंटल बीम है वो अभी कंप्लीट हो चुका है। और सामने आप मशीन देख रहे हैं और कुछ पिलर्स वगैरह हैं जो कि अभी भी अधूरे हैं, तो जिनको भी जल्दी आने वाले टाइम में UPMRC कम्प्लीट कर लेगी। दोस्तों जो TDI मॉल मेट्रो स्टेशन है वो अब आकार लेने लगा है जैसे कि आप देख रहे हैं, और काफ़ी ज़ोर शोर से UPMRC अपना वर्क कर रही है। काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर अपना काम कर रही है जैसे आप देख रहे हैं सुबह का टाइम है। और दोस्तों जो रास्ता है वो यहाँ से लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, जो कि मैं आपको आगे दिखाया था। और अभी मैं आपको बैक कैमरे से यहाँ का दिखाता हूँ क्या अपडेट है और कितना तैयार हो चुका है आगरा शहर का TDI मॉल का मेट्रो स्टेशन। चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों सामने आप देख रहे हैं दोस्तों ये है इनर रिंग रोड, और यहाँ पर जो पिलर्स हैं उनके ऊपर पेयर कैप रखे जा चुके हैं। अभी 3 से 4 पिलर अभी बाकी हैं पेयर कैप रखने के लिए। और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेट्रो स्टेशन TDI मॉल वाला, यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें अपना वर्क कर रही हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो अभी जो मेट्रो स्टेशन है वो आकार लेने लगा है, और जो आप दोस्तों गार्डर देख रहे हैं वो इन्हें पाई गार्डर बोलते हैं, जो कि स्टेशन के जो साइडों में पिलर्स हैं उनके ऊपर रखे जा चुके हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे। और यहाँ का सीन देख लो आप दोस्तों, सामने आप जो बड़ी सी क्रेन देख रहे हैं वो अपना काम कर रही है। जो यहाँ पर सेटरिंग लगाई गई थी पिलर्स के लिए उनको उठाने का वर्क कर रही है, जो कि काफ़ी हैवी होते हैं। और सामने आप देखेंगे तो दोस्तों जो मेट्रो स्टेशन है वो अभी आकार लेने लगा है, और यहाँ पर पाई गटर रख दिए जा चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हैं मेट्रो स्टेशन के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी आगरा शहर की मेट्रो के अपडेट के बारे में। और दोस्तों आपके लिए मैं ऐसे ही मेट्रो अपडेट की वीडियो लाता रहूँगा, और इसके अलावा भी और भी कई सारे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ चैनल पर। तो अभी दोस्तों बता दूँ मैं अपने काम में बिजी होने की वजह से अभी टाइम नहीं मिल पाता है ब्लॉग शूट करने के लिए, तो काफ़ी देर तक लेट हो जाता हूँ मैं ब्लॉग शूट करने में और अपलोड करने में। तो कोशिश करूँगा जल्दी आपके लिए कुछ नए ब्लॉग्स लेकर आऊँ आगरा शहर के बारे में। और कुछ आप भी मुझे बता दीजिए अगर कि आप कौन सी जगह को देखना चाहते हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं आगरा को अपने आप को दिखा सकूँ। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलूंगा आपसे किसी नए ब्लॉग में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों सामने आप देख रहे हैं ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन, जिनके दोनों साइडों में जो पाई गार्डर हैं वो रख दिए जा चुके हैं। और उम्मीद है दोस्तों UPMRC जल्दी इस मेट्रो स्टेशन को कंप्लीट कर लेगी आने वाले टाइम में।
शायद 1 से 2 महीने के अंदर। तो दोस्तों, और आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक नीचे आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन।